दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में एक बार फिर से आप सब लोगों का यीशु मसीह के नाम से मैं वेलकम करता हूँ। हम परमेश्वर के सामर्थ के बारे में सीख रहे हैं और आज 4 जनवरी को एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के प्रेम के बारे में देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें नया जन्म देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें नई सृष्टि बनाने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर का प्रेम है। वचन बताता है कि हम पापों में मरे हुए थे, हम पापों में मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हमें जीवित किया। जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में अपने जीवन का श्वास फूका और आदम लिखा है वो जीवित प्राणी बन गया, उसी प्रकार परमेश्वर अपने जीवित आत्मा के द्वारा, अपनी सांस के द्वारा, अपने जीवित वचन के द्वारा हमारे जीवन में हमें एक नया जन्म देता है। हम फिर से जी उठते हैं उस परमेश्वर की महिमा के लिए जिस परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से रचा है। ये उसका प्रेम है मेरे प्रियो कि वो हमें यूं ही पापों में मरा हुआ नहीं छोड़ता, बल्कि हम पर अपना अनुग्रह करता है और हमें नया जीवन देता है। हम उसके प्रेम को समझें, उसके प्रेम की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करे। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं चाहता हूँ एक बार फिर आज आप कमेंट कर इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताएं कि परमेश्वर जो है वो हमें नया जन्म देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।